वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 184 विकेट लेने वाले, दो बार 5 विकेट हॉल और 6 बार 4 विकेट हॉल प्राप्त करने वाले पाकिस्तान टीम के स्पिनर सईद अजमल को कभी इस फॉर्मेट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला। एक मौका था जहां उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया जाना था, लेकिन ये एमएस धोनी को मिला। इस चीज से सईद अजमल आज तक नाराज है। उन्होंने इस बारे में बयान भी दिया है। दरअसल सईद अजमल पाकिस्तान के लिए कभी वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच नहीं रहे। इसी के बारे में जब उनसे नादिर अली ने अपने पॉडकास्ट में पूछा तो उन्होंने कहा कि 2013 में मुझे प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, लेकिन ये एमएस धोनी को मिला, जिन्होंने दो कैच छोड़े थे और सिर्फ 18 रन बनाए। हालांकि सच्चाई ये है कि उस मैच में एमएस धोनी ने 55 गेंदों में एक चौके और 3 छक्कों की मदद से 36 रनों की पारी खेली थी। सईद अजमल ने प्लेयर ऑफ द मैच को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बदकिस्मती थी। 2013 में भारत के खिलाफ मैंने पहले दो वनडे में शानदार गेंदबाजी की, हम वो गेम जीते। तीसरे मैच में हमने भारत को 175 रन पर आउट कर दिया। मैंने 5 विकेट लिए। 175 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हमने 100 रन का आंकड़ा आसानी से छू लिया था। हमारे पास बहुत सारे विकेट थे, लेकिन फिर भी हम हार गए। उन्होंने कहा कि उस मैच में धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। धोनी ने 18 रन बनाए और 2 कैच छोड़े, फिर भी उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला, तो ये गलत है। आप मुझे बताएं कि मैन ऑफ द मैच का मतलब क्या है? वो खिलाड़ी जो खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को मैन ऑफ द मैच मिलता है, लेकिन उससे मैच में ऐसा नहीं हुआ। भारत ने इस मैच को 10 रनों के अंतर से जीता। अजमल का मानना है कि मैंने उस मैच में 5 विकेट लिए, लेकिन भारत मैच जीत गया, इसलिए उन्होंने धोनी को पुरस्कार दिया। उन्होंने केवल 18-20 रन बनाए और कैच छोड़े, उन्हें मैन ऑफ द मैच कैसे मिला? मुझे उस गेम में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिलना चाहिए। अजमल ने जिस मैच का जिक्र किया है वो 2012-13 के पाकिस्तान के भारत दौरे का है। ये आखिरी दौरा था जब दोनों टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज हुई थी। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।